आप देख रहे हैं टीएनबी। नमस्कार, टीएनबी में आपका स्वागत है। केंद्रीय कैबिनेट में बदलाव को लेकर बीजेपी में मत्थापेची जो है वो जारी है। आपको बता दें कि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह के साथ एक बैठक की थी और बैठक के दौरान उन्होंने केंद्रीय जो विस्तार करने वाले हैं उस विस्तार में कुछ लोगों की नाम को लेकर जो है चर्चा हुई थी, जिसके बाद कुछ नामों पर मोहर भी लग चुकी है। आपको बता दें कि ये जो है ये दूसरी बार 2019 में चुनकर आने के बाद से ये दूसरी बार होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं, जिसके आपको बता दें कि अभी कुछ नाम जो है काफ़ी चर्चाओं में छाए हुए हैं कि हो सकता है कि इनमें से कुछ नामों को केंद्रीय मंत्री का जो है सीट सौंपा जा सके। तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन से ऐसे लोग हैं जिनको जो है जिनकी चर्चाएं जो है तेज़ चल रही है, जिनको कैबिनेट में लाने की जो है अटकलें तेज़ हो गई। आपको बता दें कि नारायण राणा को दिल्ली पहुँचने के लिए बुलाया गया है, उनको दिल्ली आने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि असम के पूर्व CM सर्बानंद सोनोवालों को भी जो है बुलाया गया है दिल्ली। इसके साथ ही अभी JP नड्डा जी का इंतज़ार जा रहा है, वो भी हिमाचल से जल्द ही दिल्ली लौटने वाले हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि संगठन महामंत्री BL संतोष जी के द्वारा जिन नेताओं के नामों पे मुहर लग रही है उन्हें कॉल किया जा रहा है और उन्हें दिल्ली आने के लिए कहा जा रहा है, और साथ ही उन सभी को JP नड्डा जी के ऑफिस में शाम को बुलाया जा रहा है। इसके बाद जो है आगे के विस्तार को लेकर इसमें चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि कुछ नाम जो है इस वक्त काफ़ी सामने आ रहे हैं जिनको मतलब हाई चांसेस है कि उन्हें मंत्रिमंडल विस्तार में जो है पद मिल सकता है। ऐसे में आपको बता दें कि ये नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, वरुण गांधी, और इसके साथ ही एक और नाम जो सामने आ रहा है जो है असम के पूर्व CM सर्बानंद सोनोवाल का। तो ऐसे में जब ये मंत्रिमंडल विस्तार की बातें चलनी शुरू हुई थी, इसकी जब चर्चाएं होनी शुरू हुई थी, उसी वक्त ये तीन नाम जो है उस वक्त चर्चा का विषय बना था। इसको लेकर काफ़ी सुगबुहाट जो है देखी जा रही थी कि इन तीनों का नाम जो है इस मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल हो सकता है। इसके पीछे का कारण ये भी बताया जा रहा है कि सबसे पहले जो सिंधिया जी हैं, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार को गिरा दिया था और उसके बाद जो उपचुनाव हुए थे वहाँ पर उन्होंने जीत हासिल कर थी, इसके बाद ऐसा लग रहा है कि उनकी जीत का जो एक कह सकते हैं कि जो गिफ्ट है, उनको उपहार जो है, उनको केंद्रीय मंत्री का सीट मिलकर जो है कुर्सी मिलकर दी जा सकती है। इसके साथ आपको बता दें कि वरुण गांधी का नाम भी सामने आ रहा है। वरुण गांधी का नाम आने के पीछे उनका आक्रामक तेवर है जिसके लिए वो काफ़ी मशहूर है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के वो सांसद भी रह चुके हैं, जिसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में एक नामी चेहरा होने की वजह से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगले साल ही जो है विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में अटकल लगाई जा रही है कि वरुण गांधी को इस मंत्रिमंडल विस्तार में मोदी जी शामिल कर सकते हैं। इसके साथ जो एक आखिरी नाम जो है जो सामने आ रहा है इस वक्त वो है सोनोवाल का। तो सोनोवाल जी को इसमें रखने का कारण ये हो सकता है क्योंकि सोनोवाल ने जो है बिस्वा जी के लिए अपना मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया था, जिसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि उन्हें दिल्ली बुलाया जा सकता है ताकि जो पार्टी है उसमें कोई भी खींचातानी ना देखी जाए। ऐसे में ये तीन नाम जो है उभर कर सामने आ रहे हैं जिसे जो मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है इसमें शामिल किया जा सकता है। आपको बता दें कि जो मंत्रिपरिषद है उसमें 53 मंत्री अभी मौजूद है, लेकिन नियमानुसार इन मंत्रियों की संख्या बढ़ा के 81 की जा सकती है। ऐसे में इन नामों की जो चर्चा है बहुत जोरों शोरों से ली जा रही है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि आज भी जो है आज मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा होने वाली थी, आज शाम को 5 बजे होने वाली थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होने वाले थे, जैसे कि गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इसके साथ ही आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, के साथ ही रेल मंत्री पीयूष गोयल, और इसके साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल होने वाले थे, लेकिन इस बैठक को आज रद्द कर दिया गया है। और ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि 24 से 48 घंटे के बीच में जो है इस कैबिनेट में जो है कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, और इस जो बैठक है उसको 8 जुलाई तक टाल दिया गया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि 8 जुलाई तक जो है मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है, जिसके दौरान 22 से 23 मंत्री ऐसे हैं जो शपथ ले सकते हैं और केंद्र में जो है शामिल हो सकते हैं, केंद्र की कुर्सी में जो है शामिल हो सकते हैं। ऐसे में कई जो है नाम सुनने के लिए मिल रहा है, लेकिन वक्त के साथ ही पता चल पाएगा कि केंद्र में जो है कैबिनेट विस्तार में किन लोगों को, किन मंत्रियों को जो है जगह मिलती है, किन लोगों के चेहरे जो है सामने आते हैं, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा और इनकी पुष्टि भी वक्त के साथ ही हो पाएगी। तब तक के लिए देश और दुनिया से जुड़ी और अपडेट्स के लिए TNB के साथ बने रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की और ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉग इन करें www.thenationalbulletin.in।